हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के द्वारा नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आपका एंकर उत्सव अग्रही। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर अस्पताल में बांटे गए फल। सीएम योगी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया। यह खबर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 47वें जन्मदिवस पर एक और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं दूसरी ओर यूपी के गो सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह ने हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के बीच फल बांटे, जबकि मरीजों ने इस मौके पर सीएम योगी की प्रतिमा पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गो सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि सीएम के जन्मदिन पर मरीजों को फल बांटे गए, साथ ही उन्होंने जन्मदिन पर सीएम को बधाई दिया। कहा कि सीएम लगातार जनता की सेवा करते रहें, ईश्वर से यही कामना है। उनके साथ इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता ने भी अस्पताल जाकर फल वितरण किया। देखिए लखनऊ से आशीष निगम की रिपोर्ट। जी, तो जो आदमी जी का जन्मदिन है उनको आशीर्वाद दीजिए। किसी तरह ईमानदारी से मजबूती से आप लोगों को सहयोग करते रहे। कृष्ण कुमार जी, आज आपने योगी जी के जन्मदिन पे फल वितरण किया, क्या सोच थी आपकी और जो था? आज हमारे अपने श्री महंत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आज 47वां जन्मदिन है, अवतरण दिवस है उनका आज। उस उपलक्ष में हॉस्पिटल में प्रत्येक वर्ष की भांति, लेकिन इस बार मौका लगा, मैं लखनऊ में था तो इस हॉस्पिटल को चुना। वो नई चित्रकूट बांदा जिन जिन जिलों में प्रवासी के रूप में दल में कार्य करते हुए जहाँ जहाँ जब जब जन्मदिन पड़ता था फल का वितरण हम निरंतर करते आ रहे हैं। आज इन लोगों से मैंने आशीर्वाद वचन लिया, आशीर्वाद लिया परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी के लिए। ये लोग अपना स्नेह आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रहें, इसी तरह उत्तर प्रदेश की सेवा वो निरंतर करते रहें। तो हम लोगों के बीच में वो एक आस्था के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री से पहले वो एक राष्ट्र पुरुष राष्ट्र संत हैं, हमारे अपने श्री महंत हैं। और इन सभी लोगों ने जिनका उपचार चल रहा है यहाँ, हृदय से उन्होंने अपना आशीर्वाद परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी को दिया। सबके चेहरे पर खुशी थी। आप क्या कामना करते हैं मुख्यमंत्री जी का 47वें जन्मदिन पर उनके लिए? मैं परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी के अवतरण दिवस पर मेरी सिर्फ यही एक कामना है, वो निरंतर इसी तरह उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की, नौजवानों की, गरीबों की, किसानों की इसी तरह निष्ठापूर्वक ईमानदारी से सेवा करते रहें। आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश इनके नेतृत्व में पूर्ण रूप से विकसित और भारत के मानचित्र पर सबसे अग्रणी प्रदेशों में रहे।